हेलो फ्रेंड्स, मैं यूपीसी विंडो का काम करता हूँ। आज मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑफिस है, हम लोग कैसे काम करते हैं उसका मैं सब एक एक करके दिखा रहा हूँ। स्लाइडिंग विंडो है, थ्री ग्लास है, अभी देखो आप। ये फ्रेम हो गया, थ्री ट्रैक फ्रेम, एक ये ग्लास हो गया, एक बीच में और एक ये हो गया। इस बोलते हैं स्लाइडिंग थ्री ट्रैक स्लाइडिंग डोर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा अच्छा वीडियो मैं बनाता रहूंगा और सब्सक्राइब करते जाओ भाई, सच कह रहा हूँ। और एक और विंडो दिखा रहा हूँ आप लोग, अच्छा देखना है, सब जगह नहीं मिलता देखने को। जो भी है कि काम करने वाले विंडो, वो लोग सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना, कमेंट भी करना, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। अभी ये स्लाइडिंग वर्टिकल विंडो है, स्लाइडिंग वर्टिकल विंडो। अभी इसमें आप देखो, ये मॉस्किटो मेस है, ऊपर चला गया, इधर लॉक हो गया, आपको हवा आता रहेगा। और फिर अगर बंद करना है, बारिश वगैरह आ रहा है तो बंद करना है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, पानी नहीं आएगा इधर। देखो अभी ऐसे लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद अगर मान लीजिए आपको रूम में हवा वगैरह चाहिए, उसके लिए आप इसको खोल सकते हो। देखो ऐसे रहेगा, फिर आप इसको लॉक कर दो। ये भी इसको वर्टिकल विंडो बोलते हैं, इसमें थ्री ट्रैक, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास, एक आउटसाइड है, मॉस्किटो मेस है। इसके बाद से ये हो गया, नेक्स्ट में आप आ जाओ, इधर भी है, ये भी थ्री ट्रैक स्मार्ट में है, ये स्मार्ट थ्री ट्रैक। मॉस्किटो मेस हो गया आउटसाइड, मॉस्किटो मेस, दो ग्लास हो गया, स्लाइडिंग विंडो आप देख सकते हो। अच्छा लगे यूपीसी स्लाइडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई प्लीज यार, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ ये वीडियो। अभी एक और देखिए, एल्युमिनियम का है, इधर करो, एल्युमिनियम विंडो बना है, एल्युमिनियम विंडो है, आप देखते जाइए। एल्युमिनियम में बना है, देखो इधर आ जाओ, फ्रेंच डोर का इसको ले लो। अभी एक और विंडो दिखा रहा हूँ, फ्रेंच डोर है, अभी आप देखो फ्रेंच डोर, सॉरी स्लाइडिंग फोल्डिंग है, ये स्लाइडिंग फोल्डिंग है, चार सेक्टर का, आप पूरा ओपनिंग कर सकते हो अगर चाहो आप तो। लेकिन अभी इसको खोलूंगा नहीं, ऑफिस बंद है, बाद में खोलने इसका वीडियो मैं बाद में आपको देता हूँ अगले वीडियो में। लेकिन अभी इतना ही रहने देते हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज यार।